दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर इस वक्त एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके आधे चेहरे को लकवा मार गया है। इस वजह से उनके कई शोज भी कैंसिल हो गए हैं। वो इन दिनों अपनी एल्बम जस्टिस का भी प्रमोशन कर रहे थे, अब ये प्रमोशन भी रुक गया है। जस्टिन की हालत अब ऐसी है कि वो अपनी एक आंख ना झपका पा रहे हैं और ना ही अपने आधे चेहरे से हंस पा रहे हैं। जस्टिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा हाल बताया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी आंख नहीं झपका पा रहा हूँ और मैं मेरे चेहरे के दूसरी तरफ से हंस भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे शो के रद्द होने से काफी लोग निराश हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझेंगे। आगे जस्टिन ने कहा कि इस वक्त मैं सिर्फ आराम कर रहा हूँ और पूरी तरह ठीक होकर वापस सेट पर लौटने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं वह कर सकूँ जो करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए प्रेयर करें। सिंगर को यह दिक्कत राम से हंट सिंड्रोम की वजह से हुई है। इस बीमारी की वजह से ही जस्टिन का चेहरा पैरालाइज हुआ है। तो जस्टिन बीबर का शो कुछ दिनों में भारत में भी होने वाला था, जो अब कैंसिल हुआ है। ये पहली बार नहीं, तीसरी बार है जो जस्टिन बीबर का भारत का शो कैंसिल हुआ है। पहले 2020 और 2021 में कोविड की वजह से कैंसिल हुआ था। अब तीसरी बार ये शो कैंसिल हुआ है पैरालाइज होने की वजह से। लेकिन अब भी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि उन्हें ठीक होने में कितने दिन लग सकते हैं। बस अब भगवान से यही दुआ है कि जस्टिन की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। तो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी ज्यादा अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर सकूं।